हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू गाइस वेर गुड एंड आप अपने अपने घरों में सेफ होंगे एंड अच्छे होंगे। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। सो यार, देखो हर बार की तरह इस बार भी मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जिस प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ वो है एक क्लेमिंग एक्ने जेल का मैं रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, जो कि है फ्रॉम द ब्रांड इंडस वैली का ये क्लेमिंग एक्ने जेल है। सो एक इसका मैं एक डिटेल रिव्यू शेयर करूंगी, क्या कैसे है, प्राइस कितना है, किस स्किन टाइप के लिए, सारी चीज़ें मैं वीडियो में बताऊंगी। आई नो थोड़ा सा मैंने ये वीडियो डालने में डिले कर दिया क्योंकि मैं आई थिंक 1 वीक से ज़्यादा एक्टिव नहीं थी, मैं वीडियोज नहीं डाल पा रही थी क्योंकि मेरे फेस की कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी थी। लाइक मेरे को पिंपल्स बहुत ज़्यादा हो चुके थे, पर अभी ये पहले से बहुत ही अच्छे, मतलब बहुत ही बेटर हो चुके हैं, एज यू कैन सी ऑन माई फेस। सो मैं अभी जेल यूज़ कर रही हूँ, मेरे को बहुत ही इसका बेनिफिट मिला है, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर करूँ। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेक श्योर, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो अगर आपको कुछ भी पूछना हो या फिर किसी भी चीज़ का रिव्यू चाहिए। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ब्रांड इंडस वैली का क्लेमिंग एक्ने जेल, सो कुछ इस तरह की क्यूट सी पैकेजिंग में आता है। पैकेजिंग काफ़ी मतलब यू नो लग्जीरियस दिखती है, काफ़ी अच्छी दिखती है पैकेजिंग। येलो कलर में यहाँ पे आपको गोल्डन कलर का कैप मिलेगा और पैकेजिंग वाइज बहुत ही अच्छी अट्रैक्टिव पैकेजिंग है। और यहाँ पे आपको इस तरह का कैप मिलेगा। ये किस तरह के कंटेनर में आता है, कंटेनर काफ़ी स्टडी है, मीन्स आपको आप इसे ईजिली ट्रैवल कर सकते हो, अच्छी और ये फूटेगा नहीं जल्दी, आप इसको इजिली ट्रैवल फ्रेंडली है, आप इजिली लेकर ट्रैवल कर सकते हो। ना बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की। सो इसमें जो है वो है सीयूड एंड टी ट्री, दो इंग्रेडिएंट्स से मिलकर ये बना हुआ है। सो पहला जो इंग्रेडिएंट है वो है सीयूड एंड टी ट्री। आपको पता है जो टी ट्री होता है वो एक्ने स्किन के लिए ही बना होता है, बेसिकली हमारे एक्ने पिंपल्स को ट्रीट करने के लिए, जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए हम टी ट्री ऑयल का यूज़ करते हैं। सो इसमें एक इंग्रेडिएंट है जो कि टी ट्री इसमें मिला हुआ है। सो ये बेसिकली उन स्किन टाइप के लिए है, ये जो जेल है वो इन स्किन टाइप के लिए है जिनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ही ज़्यादा ऑयली है, इनकी स्किन पे बहुत ही पिंपल्स होते हैं, एक्ने होते हैं, बहुत ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, ब्लिमिसेस हैं, उन लोगों के लिए ये क्लेमिंग एक्ने जेल है। तो मैं ये जो क्लेमिंग एक्ने जेल है ड्राई स्किन वालों को ये रिकमेंड नहीं करूँगी, जिनकी स्किन ड्राई है वो ये जेल ना ट्राई करें बिकॉज ये और आपके स्किन को ड्राई कर देगा। जिनकी स्किन ऑयली है मेरी तरह और पिंपल्स हैं, सो एक अच्छा सा जेल ढूंढ रहे हैं जो कि आपके फेस को मॉइस्चराइज करे, हाइड्रेट करे और साथ ही में आपके पिंपल्स एक्ने को भी ड्राई आउट होने में हेल्प करे। सो आप ये जेल ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अच्छा है। बात करते हैं इसकी प्राइस की। सो इसकी जो प्राइस है वो है ₹249 में आपको ये मिल जाएगा, मीन्स ₹249 में आप इसे ले सकते हो। मैं आपको लिंक दे दूंगी, अगर आपको परचेस करना होगा तो आप उस लिंक के थ्रू जाके परचेस कर सकते हो। और इसमें जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो है 18/2019 और जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो है 2022 और ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन हैं। एंड अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसको यूज़ कैसे करना है। स्टेप टू यूज़, सो अप्लाई यूज़ टू क्लीन एंड ड्राई स्किन ऑल ओवर योर फेस, मसाज जेंटली एंटिल एब्जॉर्ब। सो कुछ नहीं करता, जैसे आप नॉर्मल मॉइस्चराइज अब लगाते हो वैसे अपने फेस पे इसको लेके लगाना है और जब तक कि एब्जॉर्ब ना हो जाए जेंटल मोशन में आप इसे सर्कुलर मोशन में अपने फेस पे मसाज कर सकते हो। और जेल कंसिस्टेंसी में है और बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है गाइज, मतलब ये देखो आपको ग्रीन कलर की कंसिस्टेंसी में मिलेगा, बहुत ही नेचुरल सा इसका कलर है, मतलब दिखने में लगता है जो शीशे वाला कलर होता है ना वो ऐसा कलर का है। फ्रेग्रेंस जो है एकदम टी ट्री ऑयल का आता है, फ्रेग्रेंस ऐसा लगता है कि बहुत सारे आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स इसमें मिला के बने हुए हैं। और आपको पता होगा इंडस वैली की जो ब्रांड है वो ज़्यादातर हर्बल प्रोडक्ट का ही यूज़ करता है। सो फ्रेग्रेंस इसमें आपको टी ट्री का मिलेगा और जेल कंसिस्टेंसी में है, ईजिली आपके फेस पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। कुछ इस तरह का मैं आपको दिखाती हूँ, एज यू कैन सी बहुत ही ईजिली आपके फेस पे एब्जॉर्ब हो जाता है और बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं करता। मेन इसका एक बेनिफिट ये है कि इसको लगाने के बाद आपका फेस बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं होता है, बहुत ही ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है, नॉन ग्रीसी फॉर्मूला है और
ऑयली स्किन वालों के लिए तो बेस्ट है. लाइक ऑयली स्किन है और आप एक अच्छा सा जेल ढूंढ रहे हो, जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर ढूंढ रहे हो अपने फेस के लिए, जो कि आपके फेस को मॉइस्चराइज रखे, ज़्यादा ड्राई ना करे और साथ ही में आपके पिंपल्स एक्ने को भी सही रखे, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. और यू नो बजट फ्रेंडली भी है. लाइक 249 रुपीज में आपको इतना बड़ा कंटेनर मिल रहा है, जो कि अराउंड आराम से दो से तीन महीने तो आराम से चलेगा. तो एक बजट फ्रेंडली भी है और सारे प्रोडक्ट इसके बजट में ही आते हैं. सो एक अच्छा है. लगाने के बाद आपको एक बहुत ही कूलिंग सा इफेक्ट आता है, क्योंकि इसमें आपको पता है कि टी ट्री ऑयल मिक्स है. और देखो प्रोडक्ट गिर भी गया. सो इसमें टी ट्री ऑयल मिक्स है. सो लगाने के बाद एक बहुत ही कूलिंग सा इफेक्ट आता है और बहुत ही इजीली आपके स्किन में ये एब्जॉर्ब हो जाता है. और लगाने के बाद एक हल्का सा यू नो जैसे जेल बेस्ड कोई भी आप प्रोडक्ट लगाते हो तो आपके फेस पे एक हल्का सा टिंटेड सा साइन आ जाता है. आप देख सकते हो मैंने इसे लगाया हुआ है और आप मेरा फेस देख सकते हो. आई नो पिंपल्स हैं पर उसके बाद भी आप मेरा फेस देख सकते हो. ऐसा लग रहा है कि मैंने मेकअप लगाया, पर नो मैंने कुछ भी मेकअप नहीं लगाया. अभी जस्ट मैं नहा के आई हूँ और मैंने अपने फेस को मॉइस्चराइज किया है यूजिंग दिस क्लीमिंग एक्ने जेल. और ये देखिए मैंने अपने हैंड पे लगाया था इसे, और आप देख सकते हो डिफरेंस देख सकते हो आप दोनों हाथों का, कौन सा हाथ आपको थोड़ा सा शाइनी लग रहा है आप देख सकते हो डिफरेंस. बहुत ही ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है. नॉन ग्रीसी फॉर्मूला है. पिंपल्स एक्ने प्रोन स्किन के लिए बेस्ट क्लीमिंग जेल है ये, और काफ़ी अच्छे इंग्रेडिएंट से बना हुआ है. अब मैं बता दूँ इसको पढ़ के कि क्लेम क्या क्या करता है. सो बेसिकली इंडस वैली क्लेमिंग एक्ने जेल इज अ यूनिक नॉन ग्रीसी जेल फार्मूला दैट हेल्प टू कंट्रोल पिंपल्स एक्ने एंड ब्लेमिशेस. सो इसमें यही सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई है. सो आप एक बार इसे ट्राई कर सकते हो. मैं आपको रिकमेंड करूँगी अगर आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम है देन आप नी स्किन के लिए. इसमें लिखा तो है इट इज़ गुड फॉर ऑल स्किन टाइप, पर मैं ड्राई स्किन वालों के लिए ये सजेस्ट नहीं करूँगी. ड्राई स्किन वाले इसे विंटर सीजन में समर सीजन में यूज़ कर सकते हैं, पर विंटर सीजन में मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगी. ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है, एक्ने प्रोन टाइप स्किन के लिए बेस्ट है. सो आई होप मेरे छोटा सा रिव्यू आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. मिलते हैं अच्छे अच्छे वीडियोज़ के साथ. तब तक के लिए बाय, टेक केयर.